अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल, इट्स मी निदा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये ब्यूटीफुल सा सिंपल डे टाइम ईद आई मेकअप लुक, एंड आई रियली होप आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा होगा। आप इसे अपने किसी भी ड्रेस के साथ वेयर कर सकते हो, एंड ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल एंड क्विक मेकअप लुक है और बहुत डिसेंट सा है, तो आप टीनेजर्स गर्ल्स भी इसे क्रिएट कर सकती हैं। एंड आप इसे अपनी किसी भी फाउंडेशन बेस के साथ या बीबी क्रीम के बेस के साथ, लाइट पिंक ब्लश, पीच ब्लश, एनी कलर के लिपस्टिक आप इस लुक के साथ वेयर कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो, न्यूड, पिंक्स। और ईद वाले दिन के हिसाब से मैंने ये लुक क्रिएट किया है, बहुत सिंपल सा, क्योंकि ईद वाले दिन भी कोई बहुत हैवी मेकअप नहीं कर रहा होता, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और लोगों को काम भी बहुत होता है, ख़ासकर लड़कियों को। तो आई होप आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा होगा, एंड आपको पसंद आए तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरा चैनल पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन भी हिट कर दें ताकि आपसे मेरी वीडियोस मिस ना हो। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो ईद को देखते हुए मैंने ये लुक बहुत सिंपल वे में क्रिएट किया है और बहुत ही क्विक एंड ईजी वे में आपको इस लुक को करना बताया है, एंड आई रियली होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू गाइज। एंड ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं अपनी आईब्रोज़ को बहुत ही लाइट वे में फिल करूँगी, और अगर आपकी आईब्रोज़ बहुत ज़्यादा थिक हैं, अच्छी हैं माशाल्लाह, तो आपको ज़रूरत नहीं है आईब्रोज़ फिल इन करने की, और अगर आप टीनेजर्स हो तो आप ये वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैंने वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर लिया है और मैं सिंपली इसे अपनी ऑल ओवर आईलेट पे प्लेस कर दूंगी और अपनी आईब्रोज़ को भी इसी से नीट कर लूंगी, और उसके बाद मैं इसे एक स्पंज की हेल्प से ब्लेंड भी कर दूंगी अच्छे से, और उसके बाद मैं सिंपली इसे बेला वास्टे के कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट भी कर लूँगी। तो आपके पास जो प्रोडक्ट अवेलेबल हो आप उस प्रोडक्ट की हेल्प से ये लुक क्रिएट कर सकते हो, और मैंने भी बहुत लोकल चीप पैलेट यूज़ की है इस लुक को क्रिएट करने के लिए। यहाँ पे मैंने मार्स का 26 समथिंग कलर आई शेडो पैलेट यूज़ किया है, और उसमें से मैंने ये लाइट ब्राउन शेड पिक किया है, और सिंपली आपको इसे अपनी क्रीज में और लोअर लैश लाइन पर भी अप्लाई कर देना है साथ साथ, और बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है इस शेड को। जब आप बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लोगे तो फिर आपको लेना है एक गोल्डन शेड, और गोल्डन शेड लेना है आपको, और अगर आपकी ड्रेस से मैचिंग का आप लगाना चाहते हो तो आप वो भी लगा सकते हो, और अगर यहाँ पे आप हाइलाइटर यूज़ करोगे तो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लुक क्रिएट होगा लिट पे। तो मैंने यहाँ पे सिंपली हल्का सा गोल्डन शेड लगाया है और एजेस को अच्छे से ब्लेंड आउट कर दिया है। लोअर लैश लाइन पे भी मैंने सेम शेड अप्लाई किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक न्यूड काजल अप्लाई किया है, वेट एंड वाइल्ड का न्यूड कोल पेंसिल, और अगर आप चाहो तो एक ब्लैक पेंसिल भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन न्यूड पेंसिल से आईज़ बहुत ज़्यादा डिसेंट और बड़ी लगती हैं। उसके बाद अपर लैश लाइन को टाइट लाइन किया है मैंने स्टैगवर्की के ब्लैक काजल से। आपको कोई ऐसा काजल अप्लाई करना है जो आपकी लोअर लैश लाइन के वाटर लाइन में ट्रांसफ़र ना हो। उसके बाद मैंने एक एंगुलर ब्रश पे लिया है ब्लैक शेड और एक हल्का सा विंग क्रिएट किया है और उसे स्मज भी कर दिया है सेम ब्रश की हेल्प से, ब्लैक शेड से। आप चाहो तो डार्क ब्राउन शेड भी ले सकते हो, इवन दो आप अपनी ड्रेस से मैचिंग का भी आई शेडो लेके यहाँ पे एक विंग क्रिएट कर सकते हो। इस टाइप से बहुत अच्छी आईज लगेंगी और बहुत ओपन अप लगेंगी। उसके बाद मैंने मस्कारा अप्लाई किया है लैशेस को कर्ल करके,
और यहाँ पे ये हो जाता है फाइनल फिनिश लुक। आप चाहो तो ऐसे भी छोड़ सकते हो, लेकिन मैं फॉल्स आईलैशेस वेयर की हैं, ये मैंने ख़ास करके ईद के लिए ख़रीदी थी। तो ये है फाइनल लुक विदाउट लैशेस और ये है विद लैशेस। और यहाँ पे मैंने वेयर की है पैक की मिंक लैशेस इन दी नंबर 53। एंड आई रियली होप आप लोगों को ये लुक पसंद आ रहा होगा। वीडियो हेल्पफुल हो तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मैं आप लोगों के साथ और भी ईद मेकअप लुक शेयर करूँगी अगर इस वाली वीडियो पे मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप मेरा चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, नोटिफिकेशन बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे मेरी वीडियोज़ मिस ना हो। And you can also follow me on my Instagram. मैं मिलूंगी आपसे अपनी next video में। Till then, take care. Bye. Be happy.